तो क्या हाल चाल है, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग देसी। तो आज आप लोग के लिए एक बहुत ही क्यूट सी गाड़ी लेके आया हूँ, तो जिसका नाम है ह्यूंडई एक्सटर। ये रहने वाला है SX ऑटोमेटिक वेरिएंट, जो कि एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी मॉडल रहने वाला है। स्पेस के साथ साथ गाड़ी की हाइट एंड लुक्स भी काफ़ी अच्छी हैं, एंड ऑटोमेटिक सेगमेंट में मेरे को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल रहने वाला है, खासकर कि जिस हिसाब से इसमें जो है आपको फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूँ इसके प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस जो है वो रहने वाला है एक्स शोरूम 8,90,000, और वहीं पे ऑन रोड जो आपको प्राइस पड़ेगा 10,15,000 इन जम्मू। थोड़ा बहुत जो है आपकी सिटी की में जो है अलग हो सकता है, प्राइजेस में डिफरेंसेस आ सकते हैं 5-10,000 के, बट ये जो है जम्मू का प्राइस रहेगा। तो गाड़ी जो है फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है, एंड मैक्सिमम इसमें आपको सारे जो टॉप मॉडल के फीचर्स होते हैं वो मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपको DRS देखने को मिल जाएंगे, उसी के नीचे यहाँ पे इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं। सेंटर में बोल्ट्स या आपको एक्स्ट्रा की बैजिंग मिल जाती है, एंड जो इसकी ग्रिल प्रोवाइड की गई है ना, उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई EV गाड़ी होती है ये। तो ये एक इसमें यूनिक एलिमेंट है। और नीचे की ओर फॉग लैम्प, यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी हैं, एंड येलो कलर का थ्रो रहने वाला है। नीचे की ओर ये कुछ आप लोग को जो है इसका फ्रंट स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। अगेन काफ़ी अच्छी जो है लुक बना रही है ये। ओवरऑल ह्यूंडई का लोगो आपको जो है वो बोनेट पे देखने को मिलेगा। बाकी इसका इंजन वगैरह ओपन करके आपको प्रॉपर दिखाएंगे क्या पावर एंड परफॉर्मेंस वगैरह रहने वाली है। अब वहीं पे आ जाएं इसके साइड लुक की ओर। तो साइड लुक में सबसे पहले जो आपको इसमें टायर्स मिलेंगे ना, इसमें आपको अलॉय डिज़ाइन देखने को मिलेगा, बट ये अलॉय नहीं है, ये आपको व्हील कप्स ही मिलने वाले हैं। स्टील रिम्स इसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो टायर की जो सेक्शन है वो इसमें रहने वाली है 175/65R15, 15 इंच के टायर्स इसमें आपको जो प्रोवाइड किए गए हैं। साइड में आपको फुल बॉडी क्लैडिंग इसमें जो है देखने को मिल जाएगी। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, एंड वाइट कलर में काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़िया लग रही है। स्मार्ट ऑटो की साइड में आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इसके जो साइड IRVM रहने वाले हैं, ये ऑटो फोल्डिंग है, जैसे की से ओपन करोगे ओपन हो जाएंगे, एंड लॉक करोगे तो की से ये ऑफ हो जाएंगे। LED इंडिकेटर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स इसमें मिल जाएंगे। टॉप पे आप लोग को जो है यहाँ पे एक आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं, और दूसरी खास बात सनरूफ इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब वहीं पे बैक साइड पे आ जाएं, तो विंडो जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो विंडो का व्यू काफ़ी अच्छा है इसमें जो है आप लोग को मिलने वाला है। ब्लूइश टिंटेड विंडो है, जिसकी वजह से आपको गर्मियों में जो है ना धूप डायरेक्ट नहीं आएगी, थोड़ी सी जो है मतलब फिल्टर होके या UV रेस से थोड़ी सेफ्टी रहेगी। यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है इसका ब्लैक ग्लॉसी डिज़ाइन, जो कि काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड किया गया है, एंड पीछे की ओर ये कुछ स्पॉइलर टाइप आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर इसमें जो सबसे खास बात है कि 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आप लोग को जो है मिलने वाले हैं, चाहे बेस मॉडल लो, चाहे टॉप मॉडल लो या मिडल मॉडल लो, जो बहुत अच्छी चीज़ है। एच शेप की इसमें आपको जो है बैक टेल लैंप्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, हेडलाइट्स देखने को मिल जाते हैं, और बैक पार्किंग लाइट। SX मॉडल इसमें रहने वाला है, एंड बैक की अगर यहाँ पे बूट की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की ग्लॉसी स्ट्रिप मिल जाती है विद ह्यूंडई लोगो, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको बैक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है इस मॉडल में, एंड पीछे की ओर सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं पार्किंग के लिए। अब जो है इसे ओपन कर लेते हैं और बूट स्पेस भी चेकआउट कर लेते हैं। तो बूट स्पेस इसमें काफ़ी अच्छी आप लोग को मिल जाती है, तो मतलब 3 से 4 सूटकेसेस इसमें आप रख सकते हो, एंड अपनी लॉन्ग ट्रिप पर जो है इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर अगेन आपको मिल जाता है 14 इंच का यहाँ पर स्पेयर व्हील है, एक साइज छोटा मिलने वाला है यहाँ पर, एंड ये कुछ बैक का ओवरऑल बूट स्पेस। ऊपर की ओर ट्रे मिल जाती है, और जो इसकी रियर सीट्स हैं वो ऑल द वे सिंगल डाउन ही रहेगी, 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो दोस्तों अब जो इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें आप लोग को मिलने वाला है 1200cc का इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 81 BHP ऑफ पावर, एंड जो टॉर्क है वो 113 Nm के करीब जो है रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छा इंजन है, छोटा इंजन प्रोवाइड किया गया है, बट ये है कि माइलेज वगैरह अच्छी मिलने वाली है ऑटोमेटिक के हिसाब से, एंड प्रॉपर आप लोग चेक कर सकते हो बैक साइड पे इंसुलेशन मैटिंग की गई है, टॉप पे यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये है ओवरऑल इंजन। माइलेज की अगर बात की जाए, तो माइलेज ये आपको आराम से 16-17 की माइलेज जो है ये दे देगी। तो बाकी अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी होंगी, अगर सेफली चलाएंगे, तो और भी अच्छी आपको जो है यहाँ पे माइलेज मिल सकती है। तो दोस्तों चलते हैं अब गाड़ी के इंटीरियर में, और अंदर से बात कर लेते हैं इसके हर एक फीचर के बारे में। तो फुल ब्लैक यहाँ पे डोर पैनल आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है। इस साइड पे मिल जाती है पावर विंडोज़, और यहाँ पे जॉयस्टिक प्रोवाइड की गई है IRVM को सेट करने के लिए।
बॉटल के लिए स्पेस, स्पीकर की ग्रिल मिल जाती है, एंड ये कुछ फर्स्ट लुक जो है इंटीरियर का आप लोग को मिलने वाला है। तो चलो अंदर चलते हैं और अच्छे से बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। तो दोस्तों ये कुछ आपको जो है फर्स्ट लुक मिलने वाला है इंटीरियर का, एंड खास बात की सीट कंफर्टेबल के साथ साथ यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट ऑप्शन भी आप लोग को मिल जाता है। इस साइड पे आपको कुछ इस टाइप के एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे जैसे आपके i10 नियोस वगैरह में आते हैं। नीचे की ओर यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का ऑप्शन इसमें दिया गया है, क्रूज कंट्रोल्स, देन म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल्स, MID कंट्रोल्स, सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। खास बात ऑटोमेटिक होने की वजह से पैडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फुल रेसिंग वाली फील आपको आने वाली है इसमें, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इस साइड पे आपको वाइपर टॉगल, हेडलाइट टॉगल, और ये इसकी जो है फ्रंट MID मिल जाती है। ये आपको 8 inches का यहाँ पे टच स्क्रीन प्रोवाइड किया जा रहा है। नीचे की ओर क्लाइमेट कंट्रोल, AC वगैरह देखने को मिल जाएगा, AC वेंट्स मिल जाते हैं, एंड ये कुछ डिज़ाइन है डैशबोर्ड का। पूरा डैशबोर्ड का ना मेरे को पूरा लुक अलाइक लग रहा है जैसे i10 नियोस का आता है ना वैसा ही, बस गाड़ी का बॉडी डिज़ाइन बड़ा है और स्पेस अच्छी खासी मिल जाएगी आपको थोड़े से प्राइस में एक्स्ट्रा में। ये कुछ इसका ग्लव बॉक्स मिल जाता है अच्छे खासे स्पेस का, एंड यहाँ पे भी थोड़ी बहुत स्पेस आपको मिल जाती है। ऊपर की बात करें यहाँ पे सनशेड, यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लाइट्स मिल जाती हैं यहाँ पे, और इस साइड पे आपको मिरर मिल जाता है सनशेड में। तो ये कुछ इसका जो है सनरूफ रहने वाला है, तो ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सनरूफ ओपन करते हैं इसका, तो ये चेक करो भाई साहब क्या मस्त है यार। मतलब फील ही अलग होती है ना जब गाड़ी में एक सनरूफ आपको प्रोवाइड किया हो, कुछ अलग सा ही लगता है, मस्त फीलिंग आती है एकदम, पूरा ओपन ओपन सा है ना। तो अब जैसे बंद कर लेते हैं, लो भाई हो गया बंद, और यहाँ से मैनुअली आप इसको स्लाइड कर सकते हो। तो ये है ओवरऑल। अब वहीं पर अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो अगेन सेम ह्यूंडई का जैसा आता है फ्यूचरिस्टिक सा वैसा मिलने वाला है। ट्रिप वगैरह की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, देन रिफ्यूलिंग का कितना रह गया है वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हो, करंट ट्रिप वगैरह आपकी कितनी रह गई है वो चेक कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब टायर प्रेशिंग माउंटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है इसमें, बड़े सारे फीचर्स हैं यार, मतलब मस्त है एकदम। आपको पहले ये फीचर समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। देन उसके बाद ये आपको जो है ह्यूंडई की जो स्क्रीन मिलती है वो मिल जाती है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा सिस्टम इनका रहता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह ये सब सपोर्ट करता है, तो वेरी गुड थिंग है इसमें। और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है इसका जो खुद का आता है ना डिस्प्ले, तो बहुत ही अच्छा है। बाकी हार्ड बटन्स वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे यूज़ करने के लिए, ये आपको वॉल्यूम वगैरह के लिए मिल जाते हैं। AC वेंट्स, नीचे की ओर क्लाइमेट कंट्रोल AC, और वहीं पर नीचे चले जाएँ एक टाइप सी पोर्ट, पावर सॉकेट, USB पोर्ट, देन यहाँ पर कुछ स्पेस, ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स, देन इस साइड पर आपको मिल जाते हैं 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट एक इसमें जो है आपको मिसिंग मिलने वाली है, माइट भी जो है टॉप मॉडल्स हैं उसमें शायद आपको मिलती हो, अगर कोई आएगा तो उसकी वीडियो डाल देंगे, तो इस मॉडल में आप लोग को मिसिंग रहने वाली है। तो ये था ओवरऑल फ्रंट डैशबोर्ड का। अब जो है चलते हैं रियर सीट्स में, और रियर सीट्स का भी कम्फर्ट आप लोग को चेकआउट करवा देता हूँ। तो दोस्तों रियर सीट्स में चलते हैं, डोर की ओपनिंग काफ़ी वाइड है तो बंदा ईजिली अंदर जो है जा सकता है। अगेन फुल ब्लैक पैनल में ही डोर मिलने वाला है यहाँ पे। सीट्स काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं, बैठने में फुल कंफर्ट रहने वाला है, एंड कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है। डेडिकेटेड हेडरेस्ट मिल जाते हैं यहाँ पे आपके रियर पैसेंजर के लिए, और जो फ्रंट पैसेंजर्स के हैं वो इसी में जो है इंटीग्रेटेड रहेंगे। चलते हैं अंदर और बैठते हैं। ओ भाई मज़ा ही आ गया यार, गाड़ी मतलब देखने में छोटी लगती है बट कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है और हेड स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। तो ये चेक करो, लेग रूम काफ़ी सही है, और वहीं पे अगर मैं हेड रूम चेक करवाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा है यार। यहाँ पे इवन इन्होंने थोड़ा सा ना ऐसे हम टाइप बनाया हुआ है जिसकी वजह से लंबे बंदे के लिए बहुत सही रहने वाला है। तो ये है ओवरऑल, रियर AC वेंट्स दिए गए हैं और पावर सॉकेट आपको रियर के लिए भी यहाँ पे मिल जाता है। तो ये है ओवरऑल गाड़ी का रियर सेटिंग एंड फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। तो कैसी लगी गाड़ी कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को एंड लाइक करो। तो दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू ऑफ Hyundai Exter XX AMT वेरिएंट। बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है अगर आप एक ऑटोमेटिक प्लान कर रहे हैं लेने के लिए, तो काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स हैं एंड जो आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं मोस्टली। तो प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, 10,15,000 ऑन रोड प्राइस है,
तो इसके लिए भी आप ज़रूर एक बार जो है सोच सकते हैं। अगर प्लान कर रहे हैं कोई भी हुंडई की गाड़ी लेने के लिए तो आप आ सकते हैं एएम हुंडई में, जो कि पलोड़ा में है, जम्मू में। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।